वृश्चिक राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले आज शाम के 3:50 के उपरांत आप सभी के जीवन काल में करोड़ों का खजाना मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि पूरे 25 करोड़ का खजाना है। यहां पर बस जगह का नाम जान लो और यहां पर अकेले जाना। दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप धन दौलत से मालामाल हो जाओगे। आप सभी के जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों अब भगवान कुबेर महाराज आप सभी को पूरे 25 करोड़ का खजाना देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज शाम की 3:50 के बाद आप सभी के जीवन का सबसे शुभ समय शुरू होने वाला है। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इतिहास में पहली बार आपके साथ ऐसा घटना होगा जहां आपके घर से ही कुछ हाथों की दूरी पर यह खजाना है। लेकिन दोस्तों यह खजाना पाना इतना आसान नहीं है, नहीं तो सब लोगों को यह खजाना मिल जाता। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, तभी जाकर यह खजाना आप सभी को मिलने वाला है। तो उसे यह बातें बहुत छोटी बात है, बड़ी बात नहीं है, इसका आप आसानी से ध्यान में रख लेंगे। इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। हम जो बात आप सभी को आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, दोस्तों भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ रामबाण है। जी हाँ दोस्तों, कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद से आप सभी की कुंडली में दो सबसे बड़े योग बनने जा रहे हैं। पहले योग है कुबेर लक्ष्मी धन प्राप्ति योग और दूसरा है सुख समृद्धि भाग्य लक्ष्मी योग। जी हाँ दोस्तों, ऐसा योग आप सभी के जीवन में पहले 200 साल पहले बना था दोस्तों, और अब आप सभी की कुंडली में ऐसा योग का निर्माण हो चुका है जिसके कारण आपको भगवान कुबेर महाराज का दिया हुआ पूरे 25 करोड़ का खजाना मिलने वाला है। और दूसरी यह खजाना आपके ही घर के आसपास है। आप यह अपने हाथ कैसे पा सकते हैं, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, तभी आपको यह खजाना मिल पाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, भगवान श्री कुबेर देवता के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और सर्वप्रथम कमेंट बॉक्स में जय कुबेर महाराज, जय माता लक्ष्मी, जय माता दी 5 बार लिख दीजिएगा। भगवान कुबेर महाराज जी का सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। दोस्तों हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आपने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपके साथ इतना जल्दी ऐसा घटना होगा। आपने अपने जीवन में पहले कितने बुरे हालातों का सामना किया है, कितने बुरे दिन आपने देखे हैं। दोस्तों यह आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि आपने आज तक अपने दुखों को, अपने गमों को किसी के सामने जाहिर ही नहीं किया है। आप बहुत सहनशील इंसान हैं। अपने अपने जीवन में जो भी दुख दर्द को देखा है, आपने उन्हें अपने ही अंदर छुपा कर रखा है। आप सभी के सामने इसी तरह हंस देते हैं, लेकिन अपने अंदर कितना गम छुपा कर रखे हैं यह आप खुद जानते हैं। जी हां दोस्तों, कई बार आपकी जीवन में ऐसी भी घटना हुई है जहां आपको रोना आ गया है, लेकिन दोस्तों फिर भी अपने उन सभी घटनाओं के बारे में किसी को भनक भी नहीं होने दिया। जी हां दोस्तों, और दोस्तों इन्हीं सब के कारण आप पूरी तरह से टूट भी चुके हैं, लेकिन दोस्तों आप यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे ही घटना अब आप सभी के जीवन में होने वाली है जहां आप सभी का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। यह घटना देखकर आपके सारे दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे, जो आपको कहते थे कि अब आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, तुमसे बड़ा नालायक इंसान इस धरती पर नहीं है, तुम किसी काम के नहीं हो। दोस्तों यह सब बातें बोलने वाले लोग अब तुम्हारे आगे पीछे रहने वाले हैं, रोने वाले हैं, गिड़गिड़ाने वाले और आपकी मदद की भीख मांगने वाले। जी हां दोस्तों, अब पक्ष पलट चुका है, अब बड़ी आपके हाथ में आ चुका है। अब चाहे आप उन्हें मदद करें या ना करें, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों यदि आप हमारा सलाह माने तो हम आप सभी को बता दें, गीता में भी यह बात साफ साफ लिखा है कि जो लोग बुरे समय में तुम्हारे साथ नहीं हैं, वे अपने लोग नहीं, और उनके साथ देना दुश्मन के साथ देने इतना बराबर है। जी हां दोस्तों, पहले आपके जीवन में इतने अच्छे समय थे तो सब लोग तुम्हारे पास आए, लेकिन जब तुम्हारे जीवन में मुसीबत आया तो सबने पीठ दिखा दिया, सब लोग अपने अपने रास्ते चली गई। इसलिए दोस्तों अब अपने जीवन में दोबारा यह गलती मत करना। जो लोग तुम्हें एक बार धोखा दिए हैं, वह जीवन में हर बार तुम्हें धोखा ही देंगे। जब उसका काम बन जाएगा
तब वह अपना असली रंग दिखाएंगे। पहले आपको किसी और बातों में उलझाकर बेवकूफ बनाए हैं, और जब अब आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, करोड़ों का खजाना आपके हाथ लगेगी, तो फिर से आपको किसी छोटी मोटी चिकनी चिकनी बातों में आपको मोह लेंगे और आपको फिर से उपयोग करने के बारे में सोचेंगे, चाहे आपका धन हो, दौलत और सभी चीजों का शोषण करेंगे। इसीलिए दोस्तों, अब आप हो जाएं सावधान। पूरे 25 करोड़ का खजाना आप सभी के जीवन काल में आज शाम के 3:50 के उपरांत मिलने वाला है, क्योंकि यह समय जो ग्रह गोचर बना है आप सभी के लिए लाभकारी साबित होने वाला है, और यह ग्रह गोचर इतना शक्तिशाली है कि आप अचानक इस जगह पर चल जाएंगे, परंतु आपको अपने घर में कुछ महत्वपूर्ण उपाय को करना होंगे। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, और यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों दोनों हाथ जोड़कर आपसे विनती है, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हुए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण और उनसे हजार गुना खास ज्योतिष कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। चाहे प्राण ही क्यों ना चली जाए, पर आज ही अपने घर के मुख्य दरवाजे की चौखट पर बांध देना। यह एक छोटी सी चीज, उसके बाद आपके जीवन में जो और इस परिवर्तन हो गए उन्हें देखकर आप खुद ही चौंक जाएंगे। आपके जीवन की हर एक वह खुशी जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे, वह आपके कदमों में। अफ्रीकी जी, हमें तो इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है कि जिसने भी इसे अपने घर की चौखट पर बांध दिया है उसके जीवन में हर तरफ से खुशियां ही खुशियां आईं और अपार धन दौलत आई है। तो प्रिय बंध हो, अब आपकी बारी है कि अब आपको बस मिलना चाहिए जिसके लिए आपने जीवन भर मेहनत की है। प्रिय बंध हो, जब आप इस चीज को अपने घर की चौखट पर बातें की, तो अगले ही दिन से आपके जीवन में दोस्त सबसे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहला बदलाव यह होगा कि आपके जीवन में अचानक रुपए पैसे का आगमन होगा। अब कहीं आपका रुपया पैसा अटका पड़ा था, या फिर किसी ऐसी जगह आपने पैसा लगाया था जहां की आपको लाभ प्राप्त हो सकता था, यह किसी ने आपसे उधार लिया था, या फिर आपके व्यापार में अचानक आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है, कहीं से भी आए, किसी भी प्रकार या माध्यम से आए, लेकिन आपके जीवन में अगले ही दिन से पैसे की आवक शुरू हो जाएगी, और कुछ समय के बाद आपके जीवन में ऐसे ऐसे स्रोतों से, ऐसे ऐसे स्थानों से पैसा आएगा जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। प्यारे दोस्तों, यह तो आप भी जानते होंगे कि जब तक समय साथ नहीं देता तब तक आप चाहे कितनी ही मेहनत करिए, कितना ही प्रयास और कितना ही दिमाग क्यों ना लगा दीजिए, सफलता के दरवाजे आपके लिए कभी खुल ही नहीं सकते हैं। धन दौलत और सुख समृद्धि जीवन में कभी आ ही नहीं सकती है, लेकिन एक बार जब समय साथ देना शुरू करता है तो फिर आपके की हर एक छोटी बड़ी प्रयास का आपको जबरदस्त परिणाम प्राप्त होता है, और पैसे के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं कि कैसे कैसे स्थानों से किस किस प्रकार से पैसा जीवन में आने लगता है। याद रखना कि पैसा चलाएं मान होता है। माता लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, और जब पैसा जाना चाहता है या फिर जीवन में आना चाहता है, हर तरह से वह अपने लिए रास्ता खुद ही तैयार कर लेता है। अब यह तो था एक फायदा, अब दूसरा लाभ जो कि और भी बड़ा है वह आपको मिलेगा अगले ही दिन से, कि आपके शत्रु चाहिए, छुपे हुए सत्र हो, चाहे जाहिर हुए आपके सामने खड़ी सत्र हो, आपसे नजरें भी नहीं मिला पाएंगे, समय उनके साथ कुछ ऐसा खेल खेलेगा, अपने जीवन और उसकी समस्याओं में ही उलझ कर रह जाएंगे, आपके बारे में भूल ही जाएंगे, और यदि आप तो उसे सामना हो भी जाएगा तो भी दाएं या बाएं से निकल जाएंगे, आपके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे, आपसे नजरें भी नहीं मिला पाएंगे। यह तो है तो बड़े फायदे जो आप इस एक चीज को अपने घर की चौखट पर बांध लेने से सीधे अगले ही दिन से प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगे। और भी कई बड़े लोग हैं जो धीरे धीरे आपके जीवन को स्वर्ग बना देंगे। प्यारे दोस्तों, याद रखना, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो इंसान धन दौलत से परिपूर्ण होता है, जिसका जीवन साथी उससे बहुत अधिक प्रेम करता है, सच्चा साथ निभाता है, और जिसकी संतान उसकी हर बात मानती है और इस सहकर्मी होती है, वह इंसान इस संसार में रहकर ही स्वर्ग के सुख को भोग रहा होता है, और 5 बिल्कुल सही भी हैं। प्यारे दोस्तों की, अब आप खुद विचार करके देखिए
कि आपके पास भरपूर धन था, घर गाड़ी मकान सब कुछ है, सच्चा प्रेम करने वाला जीवन साथी है, आपकी बात मानने वाली सहकर्मी संतान भी है, तो फिर आपको किस बात की तकलीफ होगी। हर तरफ से आपके जीवन में बस सुख ही सुख तो आ रहा है, तो फिर आपका जीवन जीते जी स्वर्ग हुआ कि नहीं। तो अब आपको हर वह सुख मिलने वाला है जो आपके जीवन को स्वर्ग बना देगा, और आप इस संसार में रहते हुए ही स्वर्ग के सुख को भागेंगे। तो बस आपको करना यह है, इस एक चीज को पूरे नियम संस्कार और विधि विधान के साथ अपने घर की चौखट पर बांधना है, फिर आपको सब कुछ मिले लगेगा जो आप चाहते हैं। तो अब हो सकता है कि आपके मन में यह प्रश्न पूछ रहा हो कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो जीवन में हर एक सुख को दिला सकती। बस अब चिंता ना करिए, हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे कि आखिर वह कौन सी चीज है और उसे इसी समय आपको अपनी चौखट पर बांधना क्यों आवश्यक है, कौन सी की चाल है, कौन सी स्थिति है, कौन से योग बन रही है, इन युवकों में आप हो कौन से बड़े लाभ प्राप्त होंगे। यदि आप इस एक चीज को अपनी चौखट पर बांध लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात की एक बड़ी देवी शक्ति है जो आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। अब यदि आप ऐसे में इस एक चीज को अपनी चौखट पर बांध लेते हैं, तो आपको इस बड़ी दिव्य शक्ति का बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो जाएगा, इनकी पूरी कृपा और पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो अब ना केवल आपको इस एक चीज को अपनी चौखट पर बांधना है, बल्कि इसे बांधने के पूरे नियम और विधि विधान को अच्छी तरह से समझ लेना है। फिर जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही आप यदि कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में 100% बदलाव आ जाएंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो चलिए आज की इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें और कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखें, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी की आपको पूरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ माता रानी के इस तुच्छ दास का अचूक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य तबाही है, ऐसा करके आप हमारी और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, और फिर माता रानी की कृपा और आशीर्वाद और उनका प्रेम पूर्ण आंचल हमेशा आपके ऊपर बना ही रहेगा। हर दुख सुख में माता रानी आपके साथ रहेंगी और आपका हाथ पकड़कर हर एक तकलीफ से आपको बाहर निकाल कर ले जाएंगे। यह हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। जी हां प्यारे दोस्तों, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ते हैं। प्रिय बंधुओं, घर की चौखट पर कुछ चीजें बांध देने से हमारे जीवन में बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। अब हमने इसके विषय में आपको पहले भी कई ज्योतिष कार्यक्रम में कई बातें बताई हैं, लेकिन आज जिस चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यह शास्त्रों की गहराई से निकाली गई चीज है। इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है कि यह जातक के जीवन से सारी नकारात्मकता को दूर करके ईश्वर की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद उसे दिलवाने में सक्षम है। प्रिय बंधुओं, आप कभी गांव क्षेत्र में जाएंगे तो आज भी गांव क्षेत्रों में कुछ घरों में मुख्य दरवाजे की चौखट पर आप जरूर कुछ ना कुछ चीजों को पुतलियों के रूप में बंधी हुई टंगी हुई अवश्य देखेंगे ही। हालांकि अब आजकल के गांव भी आधुनिकता की दौड़ में शामिल हो चुके हैं और प्राचीन काल की अपनी वैदिक पद्धतियों को भूलते जा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इन पद्धतियों का पूर्ण प्रयोग किया जा रहा है, तो आपको ऐसी चीजें देखने को मिल जाएंगे। लेकिन पुराने जमाने में प्राचीन काल में लोग इन चीजों का बहुत प्रयोग करते थे। जो लोग भी अपने घर की चौखट पर इस चीज को बांध दिया करते थे, उनके जीवन इसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं हुआ करते थे कि जी हां बोलो। अब चाहे भले ही उनके जीवन में धन दौलत कम रहता हो, लेकिन शांति और सुकून बहुत अधिक हुआ करता था। वह कहावत कही जाती है ना कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, यानी कि जहां आपस में सुमित है, सुमित यानी कि आपस में प्रेम है और सद्बुद्धि है, वहां पर कई प्रकार की संपत्तियां होती हैं। तो अब चाहे पुराने जमाने में गांव देहात में लोगों के घरों में धन संपत्ति की कमी बेशक रहती हो, खाने को भले ही बिल्कुल साधारण सब भोजन हो, वस्त्र बिल्कुल साधारण से आपस में प्रेम बहुत अधिक हुआ करता था और हर एक दुख सुख में सभी एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई दिया करते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया है, अब लोग प्राचीन काल की पुरानी पद्धतियों को भूलते जा रहे हैं और आधुनिकता की दौड़ में सब कुछ होते जा रहे हैं। अब बेशक
लोग को पैसा भी कमा रहे हैं तब भी चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। जिनके पास कामयाबी धन दौलत संपत्ति नहीं है तड़प रही है कि उन्हें कामयाबी मिली, धन दौलत मिली, माता लक्ष्मी की कृपा मिले, लेकिन जिनके पास यह सब है वह भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, दुख और तकलीफ हो से व्याकुल है। उनके पास अलग तरह की चुनौतियां हैं, अलग तरीके की प्रताड़ना है। संसार की बात हो गई, अब हम आपकी बात करते हैं। आपके जीवन में हर सुख संपत्ति शामिल होने जा रही है, क्योंकि अब आप इस एक चीज को अपने घर की चौखट पर बांधने जा रहे हैं। तभी तो अब हम आपको बताते हैं कि भाई कौन सी महत्वपूर्ण चीज है और उसे अपनी चौखट पर बांधने का क्या लाभ होगा और क्या नियम और विधान रहेगा। ये तो घर की जो चौखट होती है वह है आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। आप खुद ही समझिए कि आपके घर में चाहे कोई भी आएगा, मुख्य दरवाजे से ही अब चाहे वह कोई मेहमान हो, आपका मित्र हो, आपका सच, कोई भी हो, आपके मुख्य दरवाजे से ही आएगा और आपके जीवन में और आपके घर में ऊर्जाओं का प्रवेश भी आपके घर के मुख्य दरवाजे से ही होता है। इसीलिए आपने देखा होगा लोग अपने घर के अंदर के दरवाजे एक ऐसे ही बनवाए, लेकिन मुख्य दरवाजा बड़ा ही भव्य और मजबूत बनाया जाता है। पुराने जमाने में मुख्य दरवाजे मुख्य तौर पर पत्थर के या फिर बड़ी बड़ी लकड़ियों के बनवाई चाहते थे, लेकिन अब लोहे के बनवाई जाने लगी हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक बात बता दें कि पत्थर हो चाहे लकड़ी हो, दोनों ही उड़ जाती, कुछ अलग होती हैं। ऐसे में यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा खुद अपनी मर्जी से आपके घर में प्रवेश करना चाहे तो वह नहीं कर सकती है, क्योंकि लकड़ी और पत्थर दोनों ही ऊर्जा की कुचालक होती हैं। लेकिन लोहे के दरवाजे और चौखट हैं अब बढ़ने लगी हैं। बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि लोहा ऊर्जा का सुचालक होता है, ऊर्जा लोहे के आर पार आसानी से जा सकती है। अब किसी भी प्रकार का वह आपके लिए लाभदायक नहीं होगा, खतरनाक होगा। तो ऐसे में जबकि आज के समय में लोग अपने घर के दरवाजे केवल धातुओं के ही बनवा रहे हैं, ऐसे में आपको अपने घर के दरवाजे पर सुरक्षा कवच लगाना बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है। प्यारे दोस्तों, अब इसका भी शास्त्रीय विधान है। प्राचीन काल में हमारे आर्षि मुनियों ने इसके ऊपर बहुत गहरी शोध किए थे और जाओ के आदान प्रदान और बदलावों को अच्छी तरह से समझा था। तो इसी आधार पर कुछ प्राचीन नियम से जो कि सभी को मानने होते थे, तो सबसे पहला नियम, अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ आपको एक एक स्वास्थ्य के अवश्य बनाना चाहिए। स्वास्थ्य के हल्दी से आपको बनाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थिक माता लक्ष्मी का और बृहस्पति ग्रह का सूचक होता है और बृहस्पति का रंग पीला होता है। यदि आप हल्दी से स्वास्थ्य अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ बना देते हैं तो यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। देव गुरु बृहस्पति की विशेष कृपा आपको चल पाता है, जिससे आपके घर में आपसी प्रेम और सुख शांति बनी रहती है। दूसरा, आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के ठीक ऊपर श्री अवश्य लिखवाना चाहिए। श्री माता लक्ष्मी का ही नाम होता है और स्क्रीन को लिखने के लिए आपको लाल सिंदूर का प्रयोग करना होगा। अब यह दो कार्य आपको करनी है। तीसरा कार्य आपको यह करना है कि अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ से आपको पंचशुल्क अवश्य बनाने चाहिए। अब यह पंचशील क्या होता है, इसे आप ध्यान से समझिए। आपने देखा होगा कि घर में जब भी कोई शुभ कार्य होता है, विवाह या फिर किसी प्रकार का उत्सव होता है, तो घर की महिलाएं हर के दरवाजों के दोनों तरफ अपने पंजों के निशान हल्दी से बना देती हैं। इन्हीं पंचशुल्क कहा जाता है। अब आपके घर में यदि कोई छोटी कन्या है तो आप उसके हाथ से वंचित बनवाए, या फिर नवविवाहिता हुई है तो उसके हाथ से बनवाए। स्त्री कोई भी हो सकती है, बना सकती है, लेकिन यदि कोई छोटी बालिका है या कोई नवविवाहिता है तो सर्वोत्तम रहेगा कि इन्हें माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। अब पंच शुल्क, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पांच चीजों का फूल करने वाले होते हैं, यह प्रकृति के पांच तत्वों का सूचक होता है। हमारी पांच कर्मेंद्रियां पांच ज्ञानेंद्रियां का सूचक होता है। इसी के साथ यह हमारी पांच प्यारे दोस्तों जैसे कि काम, क्रोध, मोह, लोभ और त्रिफला के नाश्ता भी सूचक होता है, इसीलिए इसे पंचकूला कहा जाता है। इसी के साथ साथ
प्रिय बंधुओं, आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हर एक या दो दिनों में नींबू और मिर्ची अवश्य लगानी ही चाहिए। नींबू और मिर्ची लगाने का भी बहुत बड़ा मैजिक महत्व है इसका। सबसे कारण यह है कि माता लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता को खट्टा और तीखा स्वाद बहुत अधिक प्रिय होता है। तो जब नींबू और मिर्ची आप अपने मुख्य दरवाजे पर लगाएंगे तो ऐसा माना जाता है कि जब आपके दरवाजे पर भ्रमण करते हुए आएंगे तो अपनी स्वाद अनुसार सामान को लेकर दरवाजे से ही वापस लौट जाएंगे, आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। अब कुछ लोगों की आदत होती है कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भगवान की तस्वीरों को लगा देते हैं या उनकी छोटी छोटी मूर्तियों को स्थापित कर देते हैं, जैसे कि खास तौर पर लोग गणेश जी की मूर्ति या फोटो को लगाते हैं। इन्हीं के साथ साथ कहीं पर हमने माता सरस्वती को ही विराजमान देखा है, माता लक्ष्मी को भी विराजमान देखा है। यानी आप खुद ही समझ ले कि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर गणेश जी, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती विराजमान हैं। अब आप खुद ही समझ गए कि क्या यह देवी देवता आपके घर के द्वारपाल हैं? क्या भी आपके घर पर दरवाजे पर तैनात आपके रक्षक हैं? नहीं, यह देवी देवता पूजनीय है, द्वारपाल नहीं है, आपके रक्षक नहीं है। आपके जीवन में सुख समृद्धि के कारक हैं, तो इनका स्थान आपके घर के पूजा स्थल पर है, न कि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर। आप इस बात को नोट कर लीजिए। किसी से इंसान है गणेश जी या फिर किसी भी अन्य देवी देवता की तस्वीर या फिर मूर्ति अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ऊपर या दाएं बाएं कहीं भी लगा रखी है, उस इंसान के घर में सुख चैन किसी भी कीमत पर हो ही नहीं सकता है। चाहे वह कितना ही धन दौलत क्यों ना कमाल है, तब भी दुखी ही रहेगा, पीड़ित और परेशान ही रहेगा और दैवीय प्रकोप से हमेशा के लिए त्रस्त रहेगा। और एक दिन आएगा जब उसके परिवार का संपूर्ण विनाश हो जाएगा, जब तो यह भी अमरुद जो उसके ऊपर टूटेगा वह स्वयं खुद अपने ऊपर लेकर आएगा। यही होती है छोटी छोटी गलतियां जो लोग जाने अनजाने में करते रहते हैं। अब इसी के साथ साथ आप अपने घर के मुख्य दरवाजे की पवित्रता को और बढ़ाने के लिए हफ्ते में एक दिन यानी कि रविवार या सोमवार के दिन तोरण भी लगा सकते हैं, जो आम के पत्तों से और अशोक के पत्तों से मिलकर बनती है। ऐसी तोरण आप लगा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग यहां पर और ज्यादा बुद्धिमानी का प्रयोग करने लगते हैं और नकली फूलों से बनी हुई तोरण को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा देते हैं। अब याद रखिए कि तोरण कोई सजावटी सामान नहीं है, यह ऊर्जा को संतुलित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक शक्तिशाली उपाय है। इसीलिए इसमें पत्तों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जीवन में ऊर्जा का प्रतीक है। अब आपने प्लास्टिक के चावल की फूलों से बना हुआ कोई तोरा लगा दिया तो वह तो निर्जीव है, वह तो उल्टा नकारात्मकता को ही आकर्षित करने लगेगा। इसी प्रकार कुछ लोग राष्ट्रीय या फाइबर के बने हुए श्री या फिर स्वास्थ्य के या फिर माता लक्ष्मी के चरण कमल लगा देते हैं अपने घर के दरवाजों पर। यह भी बहुत खतरनाक है। प्लास्टिक की या फाइबर की चीजें पूजा की मगरी के साथ प्रयोग करना बहुत ही गलत होता है। असल में यह चीजें नकारात्मकता की सूचक होती हैं और इससे आप दैवीय प्रकोप के कारण भी बन जाते हैं, यानी देवी देवताओं का क्रोध भी आपके ऊपर वर्ष भी लगता है। तू जहां लाभ होना था वहां मकान होना शुरू हो जाता है। तो आप इन्हीं छोटे छोटे विधि विधानों का ख्याल रखें। इसी के साथ साथ प्रिय बंधुओं, आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के ठीक ऊपर थोड़ा छुपाकर घोड़े की नाल अवश्य लगानी चाहिए, क्योंकि घोड़े की नाल के अंदर इतनी अधिक ऊर्जा होती है कि यह किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में प्रवेश करने से रोक देती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के बारे में जिसे आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अब गांधी देना चाहिए। यह प्यारे दोस्तों, आप इसे किस प्रकार करेंगे और क्या ही इसके नियम, इन्हें आप ध्यान से सोचिए। इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले लाल रंग का एक कपड़ा और लाल रंग का ही एक धागा पोटली बनाने के लिए। अब इसी के साथ साथ आपको चाहिए तुलसी माता की थोड़ी सी जड़। क्या करेंगे कि तुलसी माता के पौधे को उठा लेंगे नहीं, पहले से यदि कोई तुलसी का पौधा सूखा हुआ आपके घर में रखा है, ये कोई ऐसा पौधा जो स्तूप चुका है, तो आप उसकी जड़ का प्रयोग करेंगे। खुद किसी जीते जागते पौधे को उखाड़ लेंगे, नहीं जल प्राप्त करने के लिए। तो अब यदि आपके घर में तुलसी की जड़ नहीं है तो आप तुलसी की पत्तियां ही ले सकती हैं, 7 पत्तियां लेंगे। ये प्यारे दोस्तों दिन का ख्याल रखेंगे, रविवार, मंगलवार और एकादशी के दिन नहीं लेंगे।
रात्रि के समय तुलसी के बतिया नहीं लेंगे तो तुलसी की 7 प्रतियां भी ले सकते हैं। लेकिन यदि जड़ है आपके पास तो सर्वोत्तम समाधान होगा। अब आपने तुलसी की जड़ ले ली है और इसी के साथ सर आपको थोड़ी सी दूर्वा, थोड़े से चावल और थोड़ी सी हल्दी और 7 कमल करते जी, हमें तो इतनी सामग्री आपको चाहिए। अब यह कार्य आप करेंगे शुक्रवार के दिन, शुक्रवार का माता का दिल होता है, तो अब इस दिन आप इस कार्य को करेंगे। तो आपको क्या करना है कि लाल रंग के कपड़े में यह संपूर्ण सामग्री आपको रख देनी है और उसके ऊपर थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी छिड़क देनी है जी। हमें तो याद रखना कि इस संपूर्ण सामग्री जीवनिया ऊर्जा का प्रतीक है और माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगी। चुंबक की समान पैसा आपकी ओर खींचकर चला आएगा और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से कोसों दूर भाग जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस शुक्रवार के दिन शाम के समय एक पोटली बनानी है और पोटली को आप लाल धागे से लपेट लेंगे। जय प्यारे दोस्तों, गांठ नहीं बांध देंगे। गांठ बांधना हमारे शास्त्रों में निषेध है। तो आपने एक पोटली बना ली है, अब आप इस पोटली को माता लक्ष्मी के चरणों में रख देंगे और गाय के घी का एक दीपक जलाकर जैसी आप पूजा पाठ अपने घर में सामान्य तौर पर करते हैं उसी प्रकार से करेंगे। बस माता लक्ष्मी, प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी कृपा और आशीर्वाद इस पोटली में पूर्ण रूप से समाहित कर दें ताकि आपके जीवन से सारे दुख तकलीफ दूर हो जाए। बस इतनी सी प्रार्थना करनी है और इस पोर्टल को आपको माता लक्ष्मी की तस्वीर के पास रखी छोड़ देना है और अगले दिन सूर्योदय होने से पहले जी, हमें तो सूर्योदय होने के बाद नहीं, उससे पहले आपको जागना है, ना नदी करना है, फिर माता रानी की पूजा करनी है यानी दीपक आदि चलाना है और उसके बाद उस पोटली को उठा लेना है और उसे चुपचाप ले जाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध देना है। अब इसे आप कहां बांध आएंगे, आप अपने घर के मुख्य दरवाजे की बाईं ओर, यानी कि जब आप बाहर की ओर मुख करके खड़े होंगे तो आपका बायां हाथ, जी हां प्यारे दोस्तों तो भाई, और आप इसे बांध आएंगे। याद रखें कि यह पूछ लिया, इस प्रकार से बांधे कि किसी को यह दिखाई ना दे या मित्र यानी सीधे कोई आपके घर की ओर देखें और उसे यह पोटली दिखाई ना दे, यह छुपी रहनी चाहिए। अभी खास बात कि इसे बांधते समय कोई आपको तो करना और कोशिश करें कि कोई आपको देख भी ना पाए। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि सूर्योदय से पहले आपको यह कार्य करना होगा और आप इस कार्य को समय 3 मास से 5 हास के बीच कभी भी कर सकते हैं। सब अधिकतर लोग को ही रहते हैं, कोई आपको ना ठोकेगा और ना ही देख पाएगा। अब जैसा कि हमने पिछले ज्योतिष कार्यक्रम में भी आपको बताया था कि आपकी कुंडली में नारायण लक्ष्मी योग बन चुका है क्योंकि विशेष राज योग है और विशेष रूप से धन दौलत दिलाने का कार्य करता है, तो ऐसे में आपको यह चीज अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांधना बहुत अधिक आवश्यक है। आप ऐसा करेंगे तो आपको भगवान नारायण की और माता लक्ष्मी की बहुत अधिक कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपको अगले ही दिन से इसके लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। ये प्यारे दोस्तों, हमारे कहने से आप इस कार्य को एक बार अवश्य करें। लेकिन इसी के साथ साथ हमने जो और भी विशेष कार्य बताए हैं मुख्य दरवाजे से संबंधित, उन्हें भी अवश्य करवा ही लें और यह सारे कार्य शुक्रवार के, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। और बस मन में भाव बनाकर रखें और इंतजार करें भगवान कैसे आपके जीवन की हर तकलीफ को मिटा देते हैं और आपकी सुंदर, सरल और हर प्रकार की खुशियों से भर देते हैं। तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों की जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अब आप इस जानकारी का प्रयोग करिए और अपने जीवन को खुद ही अपने हाथों से बदल डाली और भगवान की कृपा अपने जीवन में लेकर आइए। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें। इसी के साथ साथ आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां लक्ष्मी, जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना। माता लक्ष्मी और मां भद्रकाली की आपको सम्मिलित कृपा प्राप्त होगी, तो पूरे भाव और प्रेम से बोलिए जय माई की जय मां भद्रकाली। दिल तक ज्योतिष कार्यक्रम में तब तक के लिए धन्यवाद।